इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका के पार्ट 2 की वर्कशीट का हल देखेंगे। इस पार्ट में कई वर्कशीट दी गई हैं जिनके हल हमने इससे पहले वाले वीडियोस में भी किए हैं। दो वीडियोस हमने इससे पहले चैनल पर इस पार्ट के लिए बनाए हैं, ये तीसरा वीडियो है। तो आज इसमें इस पार्ट की जितनी भी वर्कशीट हैं उन सभी का हल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, इसमें सबसे पहला हमारा प्रश्न है, प्रश्न 3, क्या आपने कभी दिव्यांगों के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के बारे में सुना या देखा है? कब देखा है, क्या देखा और कहाँ देखा है, तो ये हमें बताना है। तो देखिए, जो दिव्यांग लोग होते हैं, दिव्यांग लोगों को सरकार की तरफ से बहुत तरह की सुविधाएं अब मिलने लगी हैं, जैसे व्हील चेयर होती है, स्टिक होती है, वॉकर होती है, सुनने वाली मशीन होती है, चश्मे होते हैं और तरह की कुछ और अन्य उपकरण होते हैं जिनकी मदद से वो अपने दैनिक कार्यों को करने में बहुत अच्छे से उनको सहूलियत हो जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अगर आपने सुना है तो आप लिखेंगे और अगर आपने नहीं सुना है तो नहीं लिख देंगे। वैसे ये आपके विद्यालयों में भी इसके बारे में बताया जाता है, तो आप लिख सकते हैं हाँ, आप अगर आपने सुना है तो आप लिख सकते हैं हाँ, हमने दिव्यांगों को मिलने वाली सुविधाओं जैसे व्हील चेयर, स्टिक, वॉकर, सुनने वाली मशीन इत्यादि के बारे में सुना है। और कहाँ पर सुना है, आपने हो सकता है अपने स्कूल में सुना हो सकता है आपने अपने गांव में सुना हो सकता है अपने गांव का जो पंचायत भवन होता है वहाँ समय समय पर जो मीटिंग होती हैं वहाँ सुना हो, तो जहाँ भी सुना हो उसे आप लिख सकते हैं। जैसे हमने एक बार सुना था इन चीज़ों के बारे में अपने गाँव के पंचायत भवन में, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, इसमें नीचे दी गई सारणी को भरिए। तो ये सारणी आपको भरनी है। सबसे पहले शारीरिक समस्या क्या है, जो लोग देख नहीं सकते, जो देख नहीं सकते उन्हें क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या क्या मुश्किलें होती हैं उन्हें कहीं आने जाने में, घूमने फिरने में, पढ़ने लिखने में और अपने और दैनिक कार्य करने में उन्हें समस्याएं होती हैं। ये इनके लिए उपकरण है, ब्रेल लिपि है और चश्मा और स्टिक है। तो ये ब्रेल लिपि होती है जिसे ये छू कर पढ़ सकते हैं, जो लोग देख नहीं सकते वो ब्रेल भाषा में पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, जो सुन नहीं सकते उन्हें क्या क्या मुश्किलें होती हैं उन्हें बातें समझने में और या फिर अपनी बातों को एक तरह से, क्योंकि जब वो सुन नहीं पाएंगे किसी चीज़ को अच्छे से तो फिर वो पूरी बात को समझ नहीं पाएंगे और फिर वो अगर किसी कार्य को कर भी रहे होंगे तो वो उसे भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो उनको बहुत सी समस्याएँ होती हैं अपने दैनिक कार्य करने में इत्यादि समस्याएँ होती हैं। ये सामने इनके उपकरण लिखे हैं। आगे देखते हैं, जो बोल नहीं सकते तो वो अपनी बातों को नहीं कह सकते, वो इशारों में बात करते हैं। हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उनकी बातों को पूरी तरह से ना समझ पाए तो उन्हें भी बहुत सी परेशानियां होती हैं अपनी बातें कहने में, अपने दैनिक कार्य करने में इत्यादि उन्हें परेशानियाँ होती हैं, समस्याएँ होती हैं। जिन्हें चलने में तकलीफ़ है, तो जिन्हें चलने में तकलीफ़ होती है तो वो फिर ठीक से चल नहीं पाएंगे, अपने कार्यों को नहीं कर पाएंगे, कहीं अगर उन्हें जाना होगा तो वहाँ वो जाने में असहज होंगे, उन्हें परेशानी होगी, तो ये बहुत सी समस्याएं उनके साथ होती हैं। ये इनके लिए कुछ उपकरण हैं जैसे व्हील चेयर है, स्टिक है, वॉकर है, तो ये आपने देखे होंगे। अन्य कोई शारीरिक मानसिक अक्षमता जिसके बारे में आप जानते हो उसे भी आप लिख सकते हैं, जैसे शारीरिक अक्षमता में आता है जैसे दृष्टि दोष भी है एक तरह से, तो इसके लिए उपकरण होते हैं, ये चश्मे आते हैं, जो जिस तरह का दृष्टि दोष है उसी तरह के लिए चश्मे तैयार किए जाते हैं, उचित लेंस लगाया जाता है उसमें और फिर चश्मे तैयार होते हैं, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, इसमें 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में क्या दिखाया गया है, किस तरह के लोग इसका उपयोग करते हैं, आप इसके बारे में क्या जानते हैं? तो ये देखिए, यहाँ पर ये एक ब्रेल अल्फ़ाबेट लिखा है, ए से लेकर जेड तक के अक्षर हैं, तो ये ब्रेल भाषा है, ब्रेल लिपि है, ब्रेल लिपि में इनको लिखा गया है। जो लोग देख नहीं सकते वो छू करके इस पर अपनी उंगली घुमाते हैं और तब वो इसको पढ़ते हैं, तो यह ब्रेल लिपि है। जो लोग देख नहीं सकते उन्हें पढ़ने के लिए इसी लिपि का प्रयोग करना होता है।
इस लिपि में क्या होता है, एक मोटे कागज़ पर किसी नुकीले औजार से छेद बना दिए जाते हैं। तो जब छेद बना दिए जाते हैं तो इन्हीं छेद के माध्यम से अक्षरों को लिखा जाता है और इससे ही वो पढ़ते हैं। ये आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इसी पाठ की ये अंतिम वर्कशीट है। पहला प्रश्न है इसमें, दिव्यांगों के साथ हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए जिससे उन्हें सामान्य व्यक्ति होने की अनुभूति हो। देखिए, जो लोग दिव्यांग होते हैं, पहली बात तो ये है, दिव्यांग होना अपने हाथ में नहीं है, ये इस चीज़ पर निर्भर करता है। मान लीजिए आप बिल्कुल ठीक हैं, हो सकता है कल आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, आपको कोई अस्थाई या स्थायी रूप से कोई दिव्यांगता आपके अंदर आ जाए, या कई बार ऐसा भी होता है कोई व्यक्ति जन्म से ही दिव्यांग होता है। तो ये अपने हाथ में तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा भी देखने में आता है कि लोग इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो जो लोग दिव्यांग होते हैं, हमें उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम किसी अन्य सामान्य व्यक्ति के साथ करते हैं। उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। उनके साथ कोई इस तरह की बात हमें नहीं करनी चाहिए जिससे उनके अंदर हीन भाव पैदा हो। उनका हमेशा हमें उत्साहवर्धन करना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण उनके प्रति हमें अपनाना चाहिए। हमें उन्हें अच्छे से उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि मैं एक दिव्यांग व्यक्ति हूँ और जो मुझसे बात कर रहा है वह एक सामान्य व्यक्ति है। उन्हें इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं होना चाहिए। उन्हें किसी भी बात के लिए हमें ये नकारात्मक भाव उनके अंदर नहीं जाने देना चाहिए कि अगर मान लीजिए हम उनसे कहते हैं कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे ये काम नहीं होगा, इस तरह की बातें हमें उनसे नहीं कहनी चाहिए। तो हमें उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित तालिका को भरिए। यहाँ पर एक तरफ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनकी कोई कठिनाई है उसको दिया गया है, और ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है इसको दिया गया है। तो ये सुधा चंद्रन है, इनका एक बार एक रोड एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर एक्सीडेंट के कारण इनकी एक टांग काटनी पड़ी थी, तो ये जो है रोड एक्सीडेंट में इनकी टांग कट गई थी। तो ये फिर भी अपने जीवन में सफल हैं, इन्होंने सफलता का मुकाम हासिल किया है। ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, ये नृत्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, ये भरतनाट्यम करती हैं। ये हैं रविंद्र जैन, ये कई फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया है, ये देख नहीं सकते लेकिन ये बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार हैं। तो जैसे राम तेरी गंगा मैली, ये एक फिल्म है, इस तरह की फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया है, तो ये संगीतकार हैं। आगे देखते हैं, आगे ये हैं शरद गायकवाड़ जो है एक हाथ से विकलांग है, इनका एक हाथ बहुत ही दुबला पतला है, लेकिन दूसरे हाथ की तुलना में बहुत ही दुबला पतला है, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी है और ये तैराकी के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। ये है शेखर नायक, ये नेत्रहीन हैं लेकिन ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो ये क्रिकेट के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। इनका नाम है शेखर नायक और ये क्या हैं, ये नेत्रहीन हैं, ये देख नहीं सकते हैं। आगे देखते हैं, इसी तरह से ये तीसरा प्रश्न है हमारा इस वर्कशीट का, ऊपर दिए गए व्यक्तियों से हमें क्या सीख मिलती है। देखिए, जीवन में सफलता असफलता तो आती जाती रहती है। हमारा शरीर अगर अक्षम है किसी काम को करने में, तो अगर हम मन से हार गए हैं तो वो काम हम कभी नहीं कर पाएंगे। देखिए, शारीरिक अक्षमता जो होती है वो हमें जीवन में सफल होने से रोक नहीं सकती है। कब तक रोक नहीं सकती है, अगर हम मन में ये सोच लेंगे कि ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं इस काम को करने के लायक नहीं हूँ, तो फिर वो काम नहीं होगा। लेकिन अगर आप मानसिक तौर पर अपने मन से इतने मजबूत हैं कि भले ही आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, लेकिन आपका मन आपको कभी भी हारने नहीं देता है, तो आप हमेशा जीतते चले जाएंगे। हम शरीर से कमज़ोर भले ही हों, लेकिन हमें अपने मन से कमज़ोर नहीं होना चाहिए। मानसिक रूप से हमें बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। हमें हार नहीं माननी चाहिए। ये सभी बातें हमें पता चलती हैं इन सभी व्यक्तियों की कहानियों से। तो इस तरह से ये हमारा आज दूसरे पार्ट की जितनी भी वर्कशीट हैं उनका सभी का हल कम्प्लीट हो गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे हैं तो कृपया करके इन्हें लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब